नमस्कार। महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास आघाड़ी गठबंधन में एनसीपी प्रमुख शरद पवार और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मिलकर के कांग्रेस के खिलाफ जो रणनीतियां बनाई थी उसको लेकर के अब कांग्रेसी नेता पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। कांग्रेसी नेताओं ने अब सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर के साफ कहा है कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन की तीनों पार्टियों के नेताओं में आपसी दरार काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ऊपर से सोनिया गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व पर संजय राउत ने सवाल खड़े कर दिए हैं। संजय राउत ने सोनिया गांधी को यूपीए अध्यक्ष नहीं बल्कि किसी बंजर गाँव का मुखिया होना चाहिए इस तरह की दे डाली है। राहुल गांधी को मूर्ख बताया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व पर भी सवाल खड़े कर दिए गए हैं। यूपीए अध्यक्ष की गद्दी पर शरद पवार को बैठाने की मुहिम शिवसेना ने शुरू कर दी है। ऐसे में अब महाविकास आघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस पूरी तरह से अलग थलग हो चुकी है और अब महाविकास आघाड़ी गठबंधन से कांग्रेस पार्टी का बाहर निकलने में ही फायदा है। इस तरह की बात सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर के कांग्रेसी नेताओं ने कह दी है। इससे पहले भी सोनिया गांधी की तरफ से एक लेटर वार महाराष्ट्र की राजनीति में किया गया था। उद्धव ठाकरे को लेटर लिख करके सोनिया गांधी की तरफ से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की याद दिलाई गई, यानी कि वो लेटर वार एक तरह से अंतिम चेतावनी थी कांग्रेस के लिए। उसके बावजूद भी उद्धव ठाकरे ने उस लेटर वार पर कोई तरह का फैसला नहीं लिया। उसके बाद में मुंबई कांग्रेस के नेताओं ने सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखी जिसमें एक साल महाविकास आघाड़ी गठबंधन का पूरा होने के बाद में सोनिया गांधी को बताया कि इस एक साल में कांग्रेस ने कुछ भी नहीं पाया है, सब कुछ खोया ही खोया है। यानी कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस सूटेबल नहीं है, इस तरह की बात कांग्रेसी नेताओं की तरफ से कही गई। लेकिन उसके बाद में राहुल गांधी द्वारा केसी वेणुगोपाल को महाराष्ट्र राजनीति की कमान संभालने के बाद में एक लेटर वार और किया गया है। सोनिया गांधी को एक लेटर मुंबई कांग्रेस के नेताओं ने लिख दिया है। उसमें एक तो बाला साहब थोराट जो कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के, उनको लेकर के सवाल खड़े किए गए हैं। उनके उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश भी कर दी थी। उसके बाद में मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया था भाई जगदाब को। और इस तरह से जो बाला साहब थोराट के साथ साथ महाविकास आघाड़ी गठबंधन पर भी कई तरह के सवाल दोबारा सोनिया गांधी के सामने रखे गए हैं, जिसमें साफ कहा गया है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे कांग्रेस पार्टी में तोड़फोड़ कर रहे हैं और यदि इसी तरह से चलता रहा तो कांग्रेस पार्टी का वजूद महाराष्ट्र में खत्म हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा से भटक चुकी है और अब महाविकास आघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने में ही कांग्रेस पार्टी का फायदा है, वरना आने वाले समय में रायबरेली की तरह महाराष्ट्र में भी कोई बड़ी तोड़फोड़ हो सकती है। कांग्रेस पार्टी में काफी ज्यादा बगावत का डर है वो बना हुआ है। अब कांग्रेस पार्टी को लेकर के जो कांग्रेसी नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है उससे यह साफ हो चुका है कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन पर अब उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर कांग्रेस का ग्रहण लग चुका है। अब कहीं ना कहीं संकट मंडराने महाराष्ट्र की राजनीति में शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस को लेकर के कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की वापसी के बाद में इस चिट्ठी पर कोई ना कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। महाविकास आघाड़ी गठबंधन से अब कांग्रेस का बाहर निकलना तय हो चुका है। संजय निरुपम, मिलन देवड़ा जैसे, अशोक चव्हाण जैसे नेताओं ने अब उद्धव सरकार के भ्रष्टाचारों को लेकर के भी खुलासा किया है कि इन भ्रष्टाचारों में जो उद्धव सरकार को लेकर के खुलासे हुए हैं, जमीन घोटाले हुए हैं, 20,000 करोड़ रुपए का बिजली घोटाला हुआ है, इसके अलावा भी प्रताप सरनाइक को लेकर के भी कई तरह के खुलासे हुए हैं, इनमें कांग्रेस की कोई भागीदारी नहीं है। यानी कि कांग्रेसी नेताओं ने अब शिवसेना और एनसीपी पर पूरा ठीकरा फोड़ दिया है कि उद्धव सरकार में जो भी भ्रष्टाचार हुए हैं उनमें सिर्फ इन दोनों पार्टियों की ही भागीदारी है। यह भी हो सकता है कि जैसे ही महाविकास आघाड़ी गठबंधन टूटेगा उसके बाद में एनसीपी और शिवसेना की तरफ से कांग्रेस पर भी किसी तरह के भ्रष्टाचारों के आरोप मढ़े जाए। लेकिन फिलहाल कांग्रेसी नेताओं ने साफ कहना शुरू कर दिया है कि उद्धव सरकार में भ्रष्टाचार को लेकर के जो भी मामले सामने आए हैं उसमें कांग्रेस की कोई भागीदारी नहीं है। और यही बात सोनिया गांधी को चिट्ठी में लिखी गई है कि जल्द से जल्द इस गठबंधन से बाहर निकला जाए, वरना कांग्रेस को एक भ्रष्टाचारी पार्टी समझ करके महाराष्ट्र की जनता ठुकरा देगी। और जिस तरह से पहले भी कांग्रेस ने सभी 227 सीटों पर बीएमसी चुनाव 2022 लड़ने का फैसला लिया है उससे यह भी साफ हो चुका है कि तीनों पार्टियों में मेल मिलाप कम है। ऊपर से
एनसीपी प्रमुख शरद पवार को यूपीए अध्यक्ष की गद्दी पर बैठाने की जो मुहिम शिवसेना ने शुरू की थी, उस पर भी कहीं ना कहीं कांग्रेसी नेता बौखलाए हुए हैं। कहा जा सकता है कि अब शरद पवार और उद्धव ठाकरे अकेले महाराष्ट्र में रह जाएंगे और संजय राउत की बयानबाजी कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी उनसे छीन लेगी। जिस तरह से बड़बोले संजय राउत ने जो पिछले दिनों बयानबाजी की थी, राहुल गांधी को मूर्ख बता दिया, कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी को लेकर के भी काफी बकवास जी की, उन सब मुद्दों को ध्यान में रखें तो अब कांग्रेस किसी भी हालात में उद्धव ठाकरे की सरकार में शामिल नहीं होगी। हो सकता है कि ये समर्थन वापस लेने के बाद में कांग्रेस ऊपर से जो शिवसेना को समर्थन कर भी दे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए इस तरह का काम कांग्रेस की तरफ से किया जा सकता है। लेकिन इस तरह का कुछ हुआ और कांग्रेस की तरफ से कदम उठाया गया तो फिर कांग्रेस में बड़ी तोड़फोड़ होगी, क्योंकि संजय निरुपम, मिलन देवड़ा जैसे नेता, अशोक चव्हाण जैसे नेता पहले से अपनी बगावत के संकेत दे रहे हैं। और साफ शब्दों में यह कहा जा सकता है कि अशोक चव्हाण जैसे नेता हर हाल में कांग्रेस पार्टी को फिर छोड़ देंगे, क्योंकि कांग्रेसी नेताओं का हौसला जो बुलंद है अब तक, वो धीरे धीरे टूटता जा रहा है। कांग्रेस आलाकमान को लेकर के भी इतनी बड़ी टिप्पणी करने के बावजूद भी कांग्रेस आलाकमान ने शिवसेना और संजय राउत पर किसी तरह का एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से कांग्रेसी नेता निराश होते जा रहे हैं। और रायबरेली में जो हुआ वही अब महाराष्ट्र की राजनीति में भी हो सकता है, इस तरह की खबरें सामने आनी शुरू हो चुकी है। लेकिन फिलहाल यह साफ हो चुका है कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब चाइनीज प्रोडक्ट की तरह महाविकास आघाड़ी गठबंधन बन चुका है। शरद पवार ने कांग्रेस को पहले से ही ठिकाने लगा दिया था और यह सरकार अगर गिरती है, उद्धव ठाकरे के हाथों से सीएम गद्दी खिसकती है, तो मान करके चलिए फिर शिवसेना का भी दी एंड हो जाएगा, शिवसेना भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। प्रताप नायक जैसे भ्रष्ट जो विधायकों पर, शिवसेना के नेताओं पर जो ईडी द्वारा कार्रवाई की जा रही है वो काफी सराहनीय है, और उसी से बौखलाए उद्धव ठाकरे ने अब बदले की कार्रवाई भी महाराष्ट्र में शुरू कर दी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 2 से 3 जो नेताओं के ऊपर 11-11 साल पुराना मामला है वो रीओपन कर दिया है। इसके अलावा कुछ नेताओं की सिक्योरिटी भी हटा दी गई है। राज ठाकरे जो एमएनएस प्रमुख हैं और इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इनकी नजदीकियों को बढ़ तो देख करके उद्धव ठाकरे ने इनकी सिक्योरिटी को कम कर दिया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बदले की भावना से जो उद्धव ठाकरे और ठाकरे सरकार की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है, उस पर अब कांग्रेस कोई ना कोई बड़ा एक्शन लेगी। भ्रष्टाचार मामलों में कहीं ना कहीं कांग्रेस अपना नाम दर्ज नहीं करवाना चाहती, इसलिए अब कांग्रेस इस महाविकास आघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलेगी। और जो लेटरवार महाराष्ट्र की राजनीति में किया गया है, उससे महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। उद्धव ठाकरे की नींद उड़ी हुई है। शिवसेना के विधायक भी अपने जो भविष्य को लेकर के, राजनीतिक भविष्य को लेकर के अब चिंतित दिखाई देते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी को लेकर के क्या कांग्रेस किसी तरह का बड़ा फैसला गठबंधन छोड़ने का लेगी, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो महाराष्ट्र की अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।